जहाँ एक तरफ पुष्पा टू की लोगों के बीच अच्छी खासी हाइप है, वहीं दूसरी तरफ नेगेटिविटी। जहाँ एक तरफ पुष्पा टू के टिकट की प्राइस राइज होकर 500 रुपीज़ तक पहुँच चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे खरीदने से इनकार करने लगे हैं। आज की इस वीडियो में हम पुष्पा टू के इन्हीं सब कारणों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर पुष्पा टू आगे चलकर कितना ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है। अब तुम इस मूवी के हाइप का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि इस मूवी की टिकट ऑल टाइम हाई पर हैं। वैसे तो मैं सिर्फ सुपर हीरो और एनिमेटेड कॉन्टेंट बनाता हूँ, लेकिन पोल करने पर में से 90% लोगों ने वोट किया कि पुष्पा टू पर वीडियो बननी चाहिए। सो वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ। तुम्हारा काम यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। तो आज की इस वीडियो में हम पुष्पा टू के कलेक्शन का प्रेडिक्शन करने से लेकर उसके हाइप, नेगेटिविटी और उसे हेट क्यों मिल रही है, इस सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद हाइप। मूवी की हाइप का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि मूवी अभी रिलीज भी नहीं हुई है और उसने ऑलरेडी 1000 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लिया है। वो कैसे, वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हाइप के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में लाखों की भीड़ आई थी और सोशल मीडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर जगह पर पुष्पा टू की ही बातें हो रही है। यहाँ तक कि काफी सारे इंडिया के बिग मीडिया हाउसेस ने उसे ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर बता दिया है, जहाँ मूवी ने सिर्फ थिएटर राइट्स, ओटीटी राइट्स और सैटेलाइट राइट्स बेचकर ही 1000 करोड़ प्लस की कमाई कर ली है। जहाँ 600 से 650 करोड़ थिएट्रिकल राइट्स से, बाकी के 400 करोड़ ओटीटी और सैटेलाइट राइट से कमाए हैं। पुष्पा टू की हाइप इतनी ज्यादा है कि पुष्पा टू के टिकट प्राइस 500 रुपीज तक पहुंच गए हैं, जो कि किसी भी इंडियन मूवी के लिए सबसे ज्यादा है। पुष्पा टू की हाइप सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जिसका फायदा इसे अपने कलेक्शन में देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि आखिर ओवरसीज में पुष्पा की हाइप उसके कलेक्शन को कैसे इंक्रीज करने वाली है। अब ये कहने का एक बड़ा रीजन ये है कि इसका क्रेज यूएसए में इतना ज्यादा है कि अभी तक ऑलरेडी प्री बुकिंग में ही पुष्पा टू ने $1 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। तो देखो, ये तो थी हाइप की बात कि लोग उसे इतना ज्यादा एक्साइटेड हैं पुष्पा पार्ट 1 के एंडिंग के बाद पुष्पा 2 में आगे क्या होगा ये देखने के लिए। लेकिन अब बात आती है कि आखिर ये नेगेटिविटी और हेट का क्या चक्कर है। इसके बाद बात करेंगे कि आखिर पुष्पा 2 कितना कलेक्शन कर सकती है फ्यूचर में। तो देखो, इंटरनेट में और काफी सारी आर्टिकल और रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि अल्लू अर्जुन ने इस मूवी के लिए 300 करोड़ की फीस चार्ज की है और पुष्पा 2 का टोटल बजट 500 से 600 करोड़ बताया जा रहा है। अब लोग ये कंफ्यूज हैं कि आखिर 600 करोड़ लग कहां गए, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद तो ऐसा नहीं फील हो रहा है कि मूवी में 600 करोड़ लगे हुए हैं, क्योंकि कल की जैसी हैवी वीएफएक्स मूवी का बजट भी इतना ज्यादा नहीं था। अब इसमें 300 करोड़ की फीस वाली बात लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। लोगों को डाउट हो रहा है कि क्या मूवी अच्छी होगी या नहीं। अब मूवी की क्वालिटी पे डाउट करने का एक और बड़ा रीजन है इसका हिंदी डब, जो कि हिंदी ऑडियंस को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। वो कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन इस फीस वाले मामले में तुम्हारा ओपिनियन क्या है कमेंट करके बताओ। अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि अल्लू अर्जुन ने इस मूवी के लिए 300 करोड़ की फीस चार्ज की होगी। 300 करोड़ एक बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। अगर तुम्हें अंदाजा लगाना है तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बाहुबली 2 का बजट 250 करोड़ था। सोचो तुम 300 करोड़ में क्या कुछ नहीं कर सकते हो। अब बात आती है कि हिंदी ऑडियंस पुष्पा 2 को आखिर हेट कहां दे रही है, क्योंकि पटना में जो ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ था वहां जो है तो हिंदी ऑडियंस की लाखों की भीड़ थी। तो आखिर लोग हेट कर क्यों रहे हैं और कहां कर रहे हैं। तो देखो, मूवी के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और हिंदी बेल्ट में पुष्पा 2 का बहुत ज्यादा कलेक्शन करने वाली है, ये सभी जानते हैं, और इसका हिंदी में भी अच्छा खासा हाइप है। बट इसी मूवी के हिंदी गानों की डबिंग देखकर लोग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि पुष्पा 2 के हिंदी गानों की डबिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है लोगों को। लोग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, जिससे लोग पुष्पा 2 के मेकर्स को थोड़ा हेट दे रहे हैं। बट इस पे मूवी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मूवी की डबिंग काफी ज्यादा अच्छी है। बट बात यहाँ पे गानों की डबिंग की है, जो कि बहुत ज्यादा बेकार है। ये गाने पुष्पा 1 के सॉन्ग से भी ज्यादा बेकार है। अगर पर्सनली बोलूं तो मुझे पुष्पा 1 के सॉन्ग भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे थे। और हेट देने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि मेकर्स ट्रेलर लॉन्च इवेंट पटना में कर रहे हैं, उन्हें हिंदी बेल्ट से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बट उन्होंने हिंदी डब्ड गानों पर ध्यान क्यों नहीं दिया, लोग ये पूछ रहे हैं। तो भाई, मेकर्स को जवाब देना चाहिए था, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन अब बात आती है कि आखिर पुष्पा 2 का कलेक्शन कितना ज्यादा हो सकता है इन फ्यूचर। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं यहाँ पे 2 नंबर तुम्हारे सामने रखना चाहूंगा कि आखिर पुष्पा 2 कितना कलेक्शन कर सकती है। पहला नंबर है 1000 करोड़ प्लस, यानी कि 1200 से 1300 करोड़। अब तुम में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। देखो, मैं कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना दूसरा नंबर नहीं बताया है। अब मैं अपने पहले नंबर का पहले रीजन क्लियर कर दूं। देखो, केजीएफ 2 की हाइप भी पुष्पा जितनी ही थी, लेकिन केजीएफ 2 का कलेक्शन 1000 करोड़ पार करता है और 1200 करोड़ में जाके अटक जाता है, अफ्रीकाओं की रुक जाता है। बात आती है यहाँ पुष्पा 2 की, तो देखो पुष्पा 2 की हाइप भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ बात यह आती है कि जैसे केजीएफ के साथ हुआ था, वो पुष्पा 2 के भी साथ हो सकता है, जो 1200 से 1300 करोड़ में जाके रुक जाए। लेकिन यहाँ पे मैं अपना दूसरा नंबर रखना चाहूंगा, जो कि है 2000 करोड़ प्लस या फिर बाहुबली से ज्यादा।
मिला, यानी कि 1800 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच, क्योंकि पुष्पा 2 की हाइप जितनी है और जिस तरह से अभी की मूवीज पैसा कमा रही हैं, चाहे वो स्त्री 2 हो जो कि 800 करोड़ से ज्यादा कमा, चाहे वो भूल भुलैया 3 का 250 करोड़ प्लस का बिजनेस करना हो, इससे ये अंदाजा लगता है कि ऑडियंस जो है तो मूवी देखने जा रही है। जब वो भूल भुलैया 3 जैसी मूवी को ऑडियंस देखने जा सकती है, पुष्पा 2 को क्यों नहीं, क्योंकि पुष्पा 2 एक काफी ज्यादा अच्छी मूवी होने वाली है, इसके लिए ऑडियंस एक्साइटेड भी है और इसके लिए हाइप भी काफी ज्यादा है। पुष्पा 2 2000 करोड़ या उससे ज्यादा भी कमा सकती है। अब ये तो मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि वो कितना कलेक्शन करती है, लेकिन तुम मेरे दो नंबर्स लेकर चलो, 1200 करोड़ से 1300 करोड़ और 1800 करोड़ से 2000 करोड़। तुम अपना ओपिनियन दो कि आखिर ये मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है, कमेंट्स में बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि रिव्यू वाली वीडियो भी इसी चैनल में आएगी। और अगर अभी तक तुमने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।